भारत आदिवासी पार्टी है मुद्दा रहित पार्टी है, मुद्दा रहित पार्टी है, कोनो मुद्दा विहीन पार्टी नहीं है, जेएमएम जैसे या बीजेपी जैसे, कांग्रेस जैसे कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हम क्यों ढो रहे हैं, सवाल तो हम उठाएंगे ना, और बुद्धिजीवी लोगों को सवाल करना होगा कि उनके पास क्या मुद्दा है, क्या जल जंगल जमीन बचाने की कोई मुद्दा है कि एक भी बचाए हैं कहीं। लेकिन हम लोग जो भारत आदिवासी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, सब आंदोलनकारी के हम लोग प्रोडक्ट है, और हम लोग कई जगहों पर हम लोग आज भी बता सकते हैं कि हम लोग जमीन बचाए हैं, आदिवासियों के गांव को बचाए हैं, मूल निवासियों के गांव को बचाए हैं। मैं मेरे ओर से तमाम आदिवासी मूल निवासियों को मेरे ओर से जोहार कि आज झारखंड की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह राजस्थान में या भारत आदिवासी पार्टी ने केवल पार्टी के चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के एक महीना के अंतराल एक संसद और चार विधायक वो दिए, ठीक उसी तरह हम लोग आज झारखंड में प्रवेश हुए एक महीना हो रहे हैं, पदर्पण किए, और हमें यह लगता है जैसे करंट है कि झारखंड में लोग यह देख रहे हैं कि झारखंड के कई सारे नेता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं वे बीजेपी में जा रहे हैं, मुख्य धारा के पार्टियों में जा रहे हैं। तो आज आदिवासियों की बात को कोई भी पार्टी की राजनीति पार्टी के बैनर से कहीं भी बात नहीं उठाई जा रही है, ना जल की, जंगल की, ना विस्थापन की, ना पलायन की, ना रोजगार की, ना किसी भी तरह की कोई बात यहाँ नहीं उठाई जा रही कि आदिवासी हित में जितने कानून है, ना कानून को रद्द करने की बात उठा रही हैं, ना आदिवासियों को बचाने की ही बात हो रहे हैं। तो ये आज आदिवासियों की समस्या है यहाँ झारखंड में। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज आदिवासियों को विचार करना होगा। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम लोग आशा देख रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शायद हमारा कई सारे काम करेंगे, लेकिन 5 साल के दरमियान हमने देखा ना हेमंत सोरेन से, ना ए इंडिया गठबंधन सरकार से आदिवासी हित में किसी भी तरह का कोई नीति नियम नहीं बनाए। जो भाजपा सरकार ने जो कानून बनाए थे वही कानून को इसने इम्प्लीमेंट करके आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं, आदिवासियों को नौकरी और रोजगार से बेदखल कर रहे हैं। कई सारे कानून है ऐसे, लैंड बैंक जैसे सेंसिटिव कानून, पेशा रूल्स के जो कानून है, इन सारे कानूनों को यदि वो लागू करते तो आदिवासी आज उनके लिए सोचते। लेकिन ये सारे बातों को ये इंडिया गठबंधन सरकार या हेमंत सोरेन कहिए, इसने आदिवासी हित में पेशा रूल्स को लागू करने के लिए हाईकोर्ट हम लोग को जाना पड़ा, और हाईकोर्ट का अभी आदेश है, सख्त आदेश है, 2 महीने के भीतर यदि पेशा रूल्स लागू नहीं करेंगे तो उसके ऊपर हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और आदिवासी बहुत आक्रोशित है इस मामला पे। यदि आदिवासी का एक भी ऐसे काम नहीं किए 5 साल के अंदर कि हम सोचें कि आगामी अभी 2024 में ही अभी चुनाव होने वाला है, क्या हम आदिवासी फिर हम मुखदर्शक बन करके फिर इंतजार करें, सवाल ये खड़ा हो रहा। तो इसलिए आज मौका है कि भारत आदिवासी पार्टी का एक यह विचारधारा है कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन की बात, संवैधानिक अधिकार की बात, रोजगार और नियोजन की बात, पेशा रूल्स की बात, समता जजमेंट की बात, पी रमी रेड्डी की बात हो, चाहे कैलाश वर्सेस महाराष्ट्र की जजमेंट हो, चाहे वेदांता की जजमेंट हो, इन सारे जजमेंट को हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग विचार कर रहे हैं, और नहीं करेंगे तो पछताएंगे, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करते हैं। इसीलिए बुद्धिजीवी लोग का कहना है कि वक्त पर, सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है, अन्यथा वक्त पर होने के बाद, जिस तरह पानी पार होने के बाद यदि मेड़ बनाने का हम सोचेंगे तो यह मूर्खता वाली बात होगी। उसी तरह आज चुनाव आ रहे हैं, समय पर यदि हम लोग सही निर्णय नहीं लेंगे तो विधानसभा में हमारे अच्छे कैंडिडेट नहीं जाएंगे, और फिर वही हमारे खिलाफ़ कानून बना करके हमारे सभी जल जंगल जमीन को लूटेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये अभी चंपा सोरेन अभी बीजेपी में गए हैं तो क्या विकल्प के रूप में आप लोग वहाँ, क्या विकल्प में आप लोग हैं, वैसे लगता है आप लोगों को? देखिए, जनता यदि वो विकल्प के रूप में लेंगे तो बन सकते हैं। अब जनता यदि नहीं चाहेंगे तो उनके खिलाफ में लैंड बैंक जैसे बना है, और भी विस्थापित होंगे लैंड बैंक, ऐसे सारे आदिवासियों की जमीन को लैंड बैंक के नाम से अधिग्रहण करेंगे,
तो आदिवासी आप विकल्प बनेंगे बनाएंगे तो बनेंगे। अब सवाल यहाँ सीधा आदिवासी के पास जा रहा कि क्या आदिवासी इस बार विचार करेंगे तो बचेंगे और नहीं विचार करेंगे तो मरेंगे। यही दो रास्ता है, एक तरफ मौत का खाई और दूसरी तरफ आप बचने का बाप आपके लिए खड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा करता है हम आदिवासियों के लिए काम करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। कई स्पीचों में ये बोला जाता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों के लिए विकल्प है, उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जब शिबू सोरेन के नेतृत्व में जब चल रहे थे, तब तक वो जल जंगल जमीन की बात करते थे, लेकिन जब से यहाँ पर पूरी तरह से बहुमत में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाए, आज तक 5 साल पूरा होने वाले हैं, एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता बता दे कि आदिवासी हित के लिए क्या क्या क्या, क्या काम किए, कहां कहां पर आदिवासियों की जमीन बचाए हैं, कितने यहां पर जो सादा कागज नोटरी पब्लिक का ये जो एग्रीमेंट में आदिवासियों की जमीन लुटा रहे हैं, क्या उस पर बुलडोजर चला पाए, क्या लैंड बैंक को रद्द कर पाए, क्या मोबाइल एक्ट को रद्द कर पाए, क्या नियोजन नीति बना पाए, 5 लाख नौकरी देने की बात थी वो भी नहीं दे पाए, पेशा रूल्स लागू करने के यदि यहाँ बारी आई इसमें भी वो फेल हो गए, तो सारे चीज में फेल हो गए, तो भाई किस चीज के लिए हम उसको ढोए, सवाल ये हो रहा है। तो क्या आप लोग इस बार चुनाव लड़ने को लेकर झारखंड में आप लोग क्या सोच रहे हैं, बाप भारत आदिवासी पार्टी क्या सोच रहा है यहाँ, क्या विधानसभा चुनाव लड़ेगा, लड़ेगा तो कितने सीटों पर लड़ेगा? देखिए, लड़ाई तो पार्टी बनाए हैं तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत हमको तो चुनाव लड़ना ही होगा, और जहाँ तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ आदिवासी बहुल है वहाँ हम लोग जरूर लड़ेंगे और दमदार कैंडिडेट देंगे और दमदार उपस्थिति दर्ज करेंगे, ये हम लोग को विश्वास है। और हम लोग का काम चल रहा है ग्रास रूट में काफ़ी रफ्तार में, बहुत बढ़िया करंट चल रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप माने बाप पार्टी खड़े हो गए हैं और अभी चुनाव में नज़र आ जाएगा। कुछ लोग ये भी सोशल मीडिया वगैरह में लिखते हैं कि जेएमएम का वोट काटने के लिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए शायद कुछ इस तरह का कुछ प्रभाव पड़ सकता है इससे। देखिए, आप यदि अच्छा काम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है किसी न किसी और को तो वोट देंगे। अब आप दूसरों पे आरोप लगाएंगे, आप यदि दौड़ में हारेंगे और बोलेंगे कि नहीं भाई हमको लंगी मारा, ये भाई माराडोना को भी तो बहुत लंगी मारता था लेकिन वो तो गोल करते हैं ना, तो सेम वैसे ही है भाई, हम लोग आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी है, मुद्दा रहित पार्टी है, कोनो मुद्दा विहीन पार्टी नहीं है, जेएमएम जैसे या बीजेपी जैसे कांग्रेस जैसे कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम क्यों ढो रहे हैं, सवाल तो हम उठाएंगे ना, और बुद्धिजीवी लोगों को सवाल करना होगा कि उनके पास क्या मुद्दा है, क्या जल जंगल जमीन बचाने की कोई मुद्दा है कि एक भी बचाए हैं कहीं? लेकिन हम लोग जो भारत आदिवासी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, सब आंदोलनकारी के हम लोग प्रोडक्ट है, और हम लोग कई जगहों पर हम लोग आज भी बता सकते हैं कि हम लोग जमीन बचाए हैं, आदिवासियों के गांव को बचाए हैं, मूल निवासियों के गांव को बचाए हैं, इसलिए हमको बताने का ज़रूरत नहीं है कि हम आंदोलनकारी है और हम काम करने वाले हैं। मेरा काम बताएगा लोगों को विकल्प के रूप में, मैं यही कहूँगा आप बीजेपी को फ़ायदा पहुँचेगा कि जेएमएम को फ़ायदा पहुँचेगा, चुनाव तो लड़ रहे हैं ना भाई, हम भी राजनीति पार्टी है, किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। संसद बना है हमारा, 4-4 विधायक हमारा बना है, 7 हमारा सेकंड पोजीशन आए पिछला चुनाव में, तो पार्टी रजिस्ट्रेशन के 1 महीना के भीतर ये हालत माने ये करंट चल रहा है लोगों का। अब झारखंड में भी ये करंट चलना शुरू हो गए, संथाल परगना से लेकर के पूरे झारखंड में सब आदिवासी बहुल क्षेत्र का यही करंट है कि आदिवासी पार्टी हमारे यहाँ कब आ रहे हैं, सब जगह से फोन आ रहा है। अभी मुझे प्रदेश का महासचिव पद पर मुझे कार्यभार मुझे सौंपा गया है और इसके बाद काल से इसका नज़र आएगा। 31 को चकुलिया भारागोड़ा प्रखंड कमेटी बन रहे हैं, तो आप पूरे ग्रास रूट में हमारा कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, जेएमएम का तो कार्यकर्ता ही नहीं है, ये सेंटिमेंटल पार्टी है, सेंटिमेंटल वोटर है, बिना काम का ही ये लोग वोट देते हैं, लेकिन हम लोग तो काम किए हैं ना, कोई पूछ दे हम लोग क्या काम किए हैं, हम लोग बहुत सारा काम बताएंगे।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक भाजपा सरकार नहीं बना पाए। जिंदल और भूषण हम लोग यहाँ से हम लोग उनको खदेड़ दिए, कितने गांव बच गए। आपका हैवी मोटर व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ भी हम लोग का नेतृत्व तो नहीं कहेंगे लेकिन हम लोग का सहयोग था, तो वहाँ भी नहीं बना पाए, वहाँ भी 5 गांव विस्थापित होने से बच गए। तो हम लोग का कई सारे ऐसे आंदोलन हैं जहाँ हम लोग पूरी तरह से आदिवासी गाँव को बचाने का काम किए हैं, इसलिए लोग हमें विश्वास करता है। इसीलिए हमको भी ये पूर्ण विश्वास है कि इस बार चुनाव में हमको पूर्ण समर्थन मिलेगा।